भूमि हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति और आस्था के लिए विश्व भर में विख्यात है, तो वहीं यहाँ के देव मंदिर और गुफाओं का अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। हम आपको ऐसी ही एक गुफा के दर्शन कराएंगे जिसका संबंध जुड़ा है महर्षि वेदव्यास जी के जीवन से। जी हाँ, समुद्र तल से 610 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोविंद सागर झील के किनारे बनी यह गुफा द्वापर युग की है, जहाँ महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। साथ ही इस गुफा को वेदव्यास जी की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस ऐतिहासिक गुफा पर आस्था की बात की जाए तो देश प्रदेश से श्रद्धालु इस गुफा को देखने और महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी के दर्शन करने यहाँ साल भर पहुँचते हैं। कि सन द्वापर में सत्यवती माता जी ने इसको जन्म दिया हुआ व्यास गुफा। व्यास गुफा, गुफा के अंदर अंदर जाते ही व्यास जी, मार्कंडेय ऋषि और इनका दोनों का परिचय होता है। रोज 4 बजे स्नान करके आ जाते थे और अपना भजन अपना यहाँ सीमन करते थे। करते करते इतने युग बीत गए। उसके बाद कैरव पांडव जो थे, कैरव पांडव से सत्यपति के परिवार था, वो मतलब दृष्टि से पैदा किया हुआ वेद व्यास जी के ने, और उनसे कैरव पांडव हुए। कैरव पांडव की लीला कथा जो थी, तो वेद व्यास जी ने मतलब ये सन द्वापर में इनका जन्म, सन द्वापर होने समाप्त, महाभारत समाप्त होने पर वेद व्यास जी ने सारे वेद वेद व्यास ने गणेश जी से लिखाए। गणेश जी इनके राइटर थे, जो वेद व्यास जी मतलब सूचना देते वो ही लिखते थे। सारे जो वेद सन द्वापर के वेद व्यास ने लिखे हैं, और सन द्वापर बीत गया, आजकल युग भी आ गया, तो इनका नाम युगों युगों का सन द्वापर से कलयुग तक चलता आया। अब ये गुहा जो है वेद व्यास जी की जन्मभूमि है, तपोस्थल। यहाँ श्री वेद व्यास जी ने बहुत सारे तपस्या किए, और ये पीछे गुफा है, आगे मंदिर है। बिलासपुर में व्यास गुफा की महत्ता तो बहुत पुरानी है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ व्यास ऋषि जी ने तपस्या की थी, तो इस गुफा के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। मेरे साथ भी बिहार से बहुत सारे बंदे आए हुए हैं जो यहाँ दर्शन करना चाहते हैं और गुफा को देखना चाहते हैं। तो मैं भी सौभाग्य मुझे भी मिला, मैंने कहा चलो, मैं कई बार आया, उस वक्त यहाँ बस्ती नहीं थी, अब चारों तरफ बस्ती हो गई है, तो मैंने देखा कि पूछते पूछते रास्ता पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचे। अच्छा किया। मैंने कहा जब आए हैं यहाँ तो जाके ही आएंगे। पहले बचपन में आते थे, बहुत छोटा होता था, मैं 8वीं 10वीं में पढ़ता था, तो बिलासपुर में नीचे ओल्ड टाउन से आते थे यहाँ। इस गुफा के अंदर तक हमने दर्शन कर रखे हैं, और बहुत सारे लोग भी बहुत दूर दूर से आते हैं, और काफी महत्ता है यहाँ की। एन स्टार न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।